बसमिन मेरा नाम ज़ीर अबास है ईगल ग्रुप आफ़ मार्केटिंग के प्लेटफार्म से आपकी ख़िदमत में एक नई इन्फार्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर ख़िदमत हूँ उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर उफ़ियत से होंगे शुक्रिया तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं और गुज़ारिश हूँ तमाम अहबाब से जो इस वक्त इसको देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रावल पिंडी इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नाजरीन आज मैं जिस जगह के ऊपर खड़ा हूँ ये ज़मर वैली का रकबा है ज़मर वैली रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है एक ख़ूबसूरत ज़मीन है और इसकी लोकेशन जो है वो इस वक़्त नज़दीक तीन हाउसिंग प्रोजेक्ट में से ज़मर वैली की सबसे बेहतरीन है क्योंकि राइट साइड के ऊपर श्रीनगर हाईवे बैक साइड के ऊपर तबलीगी मरकज़ मेरी बैक साइड के ऊपर जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद का आई सोला के सेक्टर और झंगी का सारा एरिया आता है और इस्लामाबाद जे है और लेफ्ट साइड के ऊपर आई सोला और आई पंद्रह ये जो रोड दरमियान में से जा रही है ये मुख्तसार सतारफ है जी आज बेसिक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जुमर वैली आ, कितनी एक रोड्स दे रहा है क्या फुटपाथ दे रहा है ग्रीनरी कितनी दे रहा है यही आज हमने देखा है कि ये एक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीनरी है इसकी जगह जगह के ऊपर इसने खजूर के दरख्त ढ्रेक जिसको कहते हैं या आप टाली या ऐसे ग्रीनरी के लिए उन्होंने ये जगह दी हुई है ढाई फुट और तकरीबन साढ़े पाँच फुट का ये या पाँच फुट साढ़े पाँच फुट का ये गैप है ये भी आपके फ्रंट के ऊपर आता है जिसमें आप फूल पौधे या कुछ चीज़ लगा सकते हैं या आप स्लोप वगैरह हल्की सी बनाना चाहें गाड़ी निकालने के लिए ये भी तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल आपको सेपरेट रोड जो है बिल्कुल उन्होंने एंड दिया हुआ कि यहाँ से बाहर आप ऊपर नहीं आ सकते ना स्टेप बना सकते हैं ये सबसे अच्छा मुझे इस चीज़ का लगा है जी और दूसरा हमने ये देखना है आज बेसिक के पाँच मरने का ये सेट है जी जिसको पच्चीस पचास कहते हैं पच्चीस फुट इसकी चौड़ाई या पचास फुट लंबाई इसमें बना हम क्या सकते हैं कैसे बना सकते हैं चलें एक ढांचा बना हुआ इसको भी देखते हैं कॉस्ट भी तकरीबन एक जजमेंट लगाएंगे क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर तो चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं उसके लिए हम फाइनल फिगर तो नहीं देते लेकिन एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि आपका क्या ख़र्चा था है हाँ जी ये ये तो गेट आ गया बेहतरीन जिसका भी है जी हाँ ज़बरदस्त ये वाटर टैंक उन्होंने बनाया है वाटर टैंक दिखाएँ जी ये वाटर टेंक और सीढ़ियों के नीचे आपकी मोटर वगैरह आ जाएगी या कोई वाशरूम आप देना चाहें इसके ऊपर इसके कार्नर के ऊपर आप वाशरूम भी दे सकते हैं काफ़ी स्पेस है ये आपका वाटर टैंक आ गया और इसके बाद हम आप चलेंगे जी अंदर आए जी सरकार ये आपका टीवी लॉन्च है छोटा सा टीवी लॉन्च दिया हुआ है जी आ, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तकरीबन ये दस एक फुट का होगा या पंद्रह दस नहीं बल्कि ज़्यादा ही होगा जी ये पच्चीस का है तो कम अज़ कम पंद्रह एक फुट का ये होगा ये आपका टीवी लॉन्च है टीवी लॉन्च की लेफ्ट साइड के ऊपर इन्होंने अपना किचन दिया हुआ है ये किचन का एरिया आज आए दिखाएं जी किचन है ये ये सारा किचन का एरिया है और यहाँ पे उन्होंने विंडो दी हुई है ताकि आपका एग्जॉस्ट वगैरह जो है वो भी यहाँ से निकलता रहे ठीक है।, है जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी ये पाँच मरल का आज हम आपको बता रहे हैं ये जो है एक बेडरूम इन्होंने दिया हुआ है बेडरूम के साथ यहाँ पे इन्होंने वाशरूम दिया हुआ है वाशरूम ये वाशरूम आ गया जी ये पाँच मर की सेट की बात कर रहा हूँ ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है और बैक साइड के ऊपर आप ये इसको कह लें कि ये ओपन एयर है यहाँ पे आपका आ जाएगा जो नब वाशिंग एरिया में आ जाएगा वाशिंग आ जाएगी मशीनें आ जाएंगी पानी का वो कनेक्टेड हो जाएगा और आपके जो गीज़र वग़ैरह है वो यहाँ पे आ सकता है अगर दूसरा रूम देखते हैं जी दूसरे में इन्होंने क्या बनाया हुआ है तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि ये पाँच मरल के जो सेट होते हैं हर बंदा अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है तो उन्होंने जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें इन्होंने टू बेड रूम दिए हुए हैं अच्छा डिज़ाइन है और यही मेरा ख़्याल है मोस्टली चलता भी है यहाँ पर इन्होंने दरवाज़ा रखता रखा हुआ है आने जाने के लिए ताकि यहाँ से आप निकल के कपड़े धो लें आपका गीज़र आपकी बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ से आपकी इन और आउट होती रही साथ राइट साइड में एक और वाशरूम दिया हुआ दो कमरों में दो वाशरूम आ गए बेहतरीन चीज़ है एक सीढ़ियों के नीचे आ गया अगर आप बनाना चाहें दूसरा ये आपका टी वी लॉन्च है और फिर ड्राइंग आ गया ड्राइंग वाला जो वाशरूम है उन्होंने सीढ़ियों के नीचे कर दिया है या वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो अब उनकी मर्जी है और अलमारी के लिए ये खूबसूरत जगह है अगर यहाँ पे आप ढाई फुट की अलमारी रखते हैं एंड तक ऊपर बड़े खाने बना दें नीचे आपका टीवी के लिए स्पेस बन जाए और नीचे जो आप फर्स्ट क्लास करके आपका जितना भी लकड़ का काम है वो हो जाए तो ये पाँच मतलब के एक सेट किसी ने बनाया है चलें ये वीडियो देखने से अगर किसी को कोई समझ आ गई या कोई अपना डिज़ाइन करना चाहता है तो आप ज़रूर कीजिएगा जी ये बेहतरीन चीज़ है और दूसरी बात यह है कि ये ढांचा एक बना हुआ है इसके ऊपर कितना खर्चा आता है आप अपने माइंड में रखें जी जो हिसाब किताब चल रहा है अगर बुनियादों से हम रखें सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है ईंटें बहुत महंगी हैं स्पेशली सरिया बहुत महंगा है सीमट बहुत महंगा है रेत बहुत महंगी है और क्रश भी बहुत ही महंगी है और साथ लेबर तो फिर आपको पता है कि लेबर जो है तो वो इसके साथ साथ चलती है पाँच मरल का घर आप इस जगह पर बनाएँ या पाँच मरल का घर आप किसी सोसाइटी में बनाएँ मटीरियल सेम ही रहेगा कोई उन्नीस बीस का फ़र्क आता है तो उसकी कोई कसम नहीं होती तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं या चूँकि हम अभी नई प्लानिंग में आ रहे हैं हमारा अब डिज़ाइनिंग के लिए काम शुरू हो गया हमारा जो मैप वगैरह वाले लड़के हैं वो भी आ चुके हैं इन बहुत जल्द हमारी पूरी टीम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी पूरी टीम आ, जो है वो आपके जितने भी मैकेनिकल सर्विसेज हैं उसकी तरफ जाएगी तो वो जब जब आती जाएंगी आपके साथ रबता करेंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखती रहिएगा आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपका और आपकी दौ की सख्त ज़रूरत है मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त बहुत शुक्रिया मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ